Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. Immediately मतलब फौरन the mother descended is simple past tense में simple past tense का formula subject plus V second plus object descend descend का मतलब होता है उतरना descended D E S C E N descend मतलब उतरना descended verb का second form है ed लगाने से verb का second form बन जाता है descended the mother descended on the floor फ्लोर पे उतर गई नीचे ऑफ द कूप कूप की जो छत जो थी कूप जो काबक थी उसकी फ्लोर उसके नीचे उतर गई काय के लिए पिक्ड अप करने के फिर सेकंड सेंटेंस है एंड पिक्ड अप एंड जो है कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस या जो दो वर्ड को जोड़े हम उसे कंजंक्शन कहते हैं एंड पिक्ड अप पिक अप का मतलब होता है उठाना पिक अप पी आई सी के पिक अप उठाना पिक अप और क्या क्या उसे उठा लिया पिक्ड अप सिंपल पास्ट टेंस है ईडी लगा पिक्ड अप उसे उठा लिया द बेबी इन हर आर्म्स आर्म यानी बाजू और अपने बाजू में उसको उठा लिया दो सेंटेंस है दोनों भी सिंपल पास्ट टेंस के नेक्स्ट सेंटेंस है शी गेव द बेबी अ थॉरली बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन क्यूडल्ड हिम टाइटली इन हर बोजम ये भी सिंपल पास्ट टेंस है गिव का पास्ट टेंस होता है गेव जी आई वी गिव यानी देना उसका पास्ट टेंस बनता है गिव दिया गिव यानी देना गिव देना गिव दिया एंड गिव द बेबी अ थॉरली थॉरली यानी मुकम्मिल तौर के ऊपर बॉडी इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट वर्ब है इससे बनता है इंस्पेक्शन जांच पड़ताल इंस्पेक्ट करना जांच पड़ताल करना इंस्पेक्शन जांच पड़ताल इससे बनता है इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करने वाला इंस्पेक्ट वर्ब इंस्पेक्शन भी नाउन और फिर इंस्पेक्टर भी नाउन इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंक्वायरीज टू चेक हिज इंजरीज टू चेक चेक करना मतलब उसमें कहाँ कहाँ जख्म लग गया उसको देखना चेक करना हिज इंजरीज उसके जख्मों को इंजरीज को एंड देन क्यूडल्ड हिम फिर आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यूडल क्यूडल का मतलब होता है सीने से लगा लेना चिमटा लेना एंड क्यूडल्ड हिम टाइटली इन हर बोजोम बोजोम यानी सीना और उसने अपने सीने से उसको लगा दिया दो सेंटेंस है पहला शी गेव द बेबी एंड सेकंड है क्यूडल्ड हिम टाइटली इन हर बोजोम नेक्स्ट द बेबी फाउंड सोलेस इन हर सोलेस इत्मीनान फाउंड यानी पाना द बेबी फाउंड सोलेस इन हर केयरिंग आर्म केयरिंग आर्म केयरिंग आर्म मतलब उसे कहते हैं हम जैसे ममता भरी बाहें केयर करना मतलब परवाह करना परवाह केयरिंग आर्म उसके बाहों में उसको बड़ा सुकून मिला द मदर सैट स्टिल देखिए सिंपल पास्ट टेंस सिट यानी बैठना सैट यानी बैठा द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप और जो माँ थी वो बैठ गई स्टील बिल्कुल बिल्कुल साकित साइलेंट बिल्कुल स्टील एस टी आई डबल स्टील विद द बेबी इन हर लैप लैप मतलब गोद अपने गोद में लेकर उसको बैठ गई फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ सेकंड के लिए कुछ मिनट के लिए उसको लेकर बैठ गई इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ यानी ऐसा लगता था ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर पॉन्डर का मतलब होता है तसव्वुर करना ख्याल करना गौर फिक्र करना शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस ऑप्शन है ख्याल को अपने ख्याल में गर्क हो गई है डूब गई है काय के बारे में एंड ट्राइंग और फिर कोशिश कर रही है काय के लिए टू फिगर आउट का मतलब होता है अंदाजा लगाना या फिर उसके बारे में हल करना कोई मसला अगर आ चुका हो तो उसको हल करना फिगर आउट मतलब हल करना ये भी फ्रेज है फिगर आउट एफ आई जी यू आर फिगर आउट का मतलब होता है हल करना या फिर अंदाजा लगाना पॉन्डर का मतलब ये होता है तस्वुर करना ख्याल करना फिगर आउट फ्रेज है फिगर आउट वो तस्वुर करते हाउ क्या शी हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट असॉल्ट यानी हमला कि वो आगे अपने बच्चे को जो वो हमला लंगूर हमला है वो कैसे हमला उसके हमले से किस तरह से बचा सके इसके बारे में वो फिगर आउट कर रही थी फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इन टू माई आईज लुक्ड स्ट्रेट लुक सिंपल पास्ट टेंस है लुक यानी देखना लुक्ड स्ट्रेट सीधे देखी उसने इन टू माई आईज सीधे मेरी आंखों में देखी एंड फिर क्या हुआ इवन टूडे
आज भी, इवन टुडे आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट। ये कैन नॉट वाला सेंटेंस पहली मरतबा है हमारे इस लेसन के अंदर। कैन नॉट मतलब कैन का मतलब सकता हूँ या सकती हूँ। आई कैन नॉट फॉरगेट, फॉरगेट भूलना। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता हूँ। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता हूँ। डैट लुक, अब ये लुक का मतलब होता है डैट उस नज़र को। ये लुक जो है यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। डैट लुक उस नज़र को। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता हूँ। डैट लुक उस वक्त में जो उसने मुझे देखी थी, उस नज़र को मैं इवन डैट अभी भी नहीं, इवन डैट, इवन टूडे आज भी नहीं भूला हूँ। यानी उस हादसे को गुजरे कई साल बीत चुके हैं, इवन टूडे आज भी अभी तक आई कैन नॉट फॉरगेट डैट लुक, उस नज़र को नहीं भूला हूँ। इन हर आईस जो उसकी आंखों में थी, इन हर आईस जो उसकी आंखों में जो लुक थी, जो नज़र, जो उसकी देखने का जो अंदाज था, लुक थी, वो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। शॉरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड। शावर का मतलब होता है बरसात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शावर यानी नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी बरसाना। शॉरिंग, शॉरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड, एहसान जताया था उसने। शॉरिंग उंडेला था, बरसाया था। शॉरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड यानी बिल्कुल खामोश ग्रेटिट्यूड, एहसान जताया था। ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, ऑन मी मुझ पर, काय के लिए, फॉर सेविंग हर चाइल्ड, से यानी बचाना, बचाने के लिए, जो मैंने उसके बच्चे को जो बचाया था उसके लिए जो मुझे एहसान उसने जताया था। वो कैसे एहसान, वो तो जानवर था तो बोल नहीं सकता था, लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन हिज ग्रेटिट्यूड, हर ग्रेटिट्यूड उसने कैसे जताई थी, लुक देख कर। यानी इंसान आंखों आंखों में भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेता है, तो वो राइटर ने उसको पढ़ लेता, तो आज भी वो नहीं भूला है। फिर क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ये पैसिव वाइज में सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले दो चार सेंटेंस आ चुके हैं, वेयर हाउस्ड आया था, वॉज ब्रोकन आया था, तो इसी तरह ये भी आया, वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भर आना, गला भर आना। यानी जब हम बोलने लगे तो हम रोना शुरू कर देते हैं, लड़खड़ाने हमारी आवाज़ हो जाती है। इससे पहले आँखें भर आने के लिए अल्फा द वील्ड अप आया था, इसी तरह ये आया ओवरवेल्म्ड, यानी फिर गला भर आना, यानी वो कुछ बोलने लगे तो हम जब रोने जैसा हमारा अंदाज हो जाए उसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड। यानी फिर उसका गला भर गया, यानी उसको रोना आ गया। आई वॉज ओवरवेल्म्ड कैसे, बाय द इमोशंस, उसके जज्बात से, उसके जज्बात के जरिए से उसे उसका गला भर गया। एंड द सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब होता है सेंस, एहसास जो हमारे अंदर जो अल्लाह ने भरा है उससे वजह से, इमोशन जो उसको महसूस हुआ, सेंटीमेंट जो हुआ, एहसास हुआ, जो उसको जज्बा रहम जो अल्लाह ने हमारे दिल में जो रखा है, सेंटीमेंट्स एंड इमोशंस, ये दोनों चीज़ों के जरिए से उसको फिर रोना आ गया। एंड द वे, और जो तरीका हो जो उसने ग्रेटिट्यूड का अपनाई थी, एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और जिस तरीके से उसने मुझे शुक्रिया अदा किया था उसके ज़रिए, जो जो अंदाज उसने अपनाई थी, मदर लंगूर ने जो अपनाई थी उसके ज़रिए से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया, ओवरवेल्म्ड हो गया, मेरी आँखें भर आई। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर, देयर सैट सीट कपास्टर सैट, देयर सैट बैठी हुई थी, कौन बैठ, अ यूनिवर्सल मदर, एक आलमगीर माँ, सारे जहान की माँ वो बैठी हुई थी, यूनिवर्सल मदर। होल्डिंग अ स्ट्राइकन, होल्डिंग पकड़े हुए थे, क्या, स्ट्राइकन चाइल्ड, स्ट्राइकन चाइल्ड, इससे पहले बहुत सारे वर्ड आ चुके हैं, मैं बता चुका आपको, क्या इस जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, अगर उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्राइकन, STRICKEN, स्ट्राइकन चाइल्ड, ये ना होने, स्ट्राइक एंड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा बच्चा हो। इससे पहले भी हम देख चुके हैं अननोन क्वार्टर्स आया था, है ना, वर्ब उससे बनाया गया था। उससे पहले एक और भी आया था, अनएक्सपेक्टेड आया था, एडजेक्टिव अनएक्सपेक्टेड, अननोन, ये सब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें और भी एडजेक्टिव आए बहुत सारे, ग्रीन ग्रास वो खुद ब खुद एडजेक्टिव, कलरफुल फ्लावर्स आया था, टॉल आया था, मैग्निफिशेंट ट्रीज आया था। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव, ये हमको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर हमने ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आया है, स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, उसकी गोद में जो बच्चा बैठा हुआ था, स्ट्राइकन चाइल्ड था, मुसीबत ज़दा था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी, जिसे बहुत ज़्यादा मारा गया था, वो बच्चा उसकी गोद में बैठ, स्ट्राइकन चाइल्ड बैठा हुआ था। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिर देन इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश, बिल्कुल जैसे एक फ्लैश होता है, जैसे बिजली जैसे चमकती, इन अ फ्लैश शी जंप्ड
जंप कूदना, सिंपल पास्ट टेंस, शी जंप्ड, वो कूदी, विद हर बेबी, अपने बच्चे के साथ कूदी। कैसे क्लिंकिंग, चिमटाए हुए, क्लिंक का मतलब होता है चिपकाना, क्लिंकिंग टू हर बेली, PELLY, बेली यानी पेट से, अपने पेट से बच्चे को चिमटाए हुए फिर वो कूदी। एंड रीच, फिर एंड आया कंजंक्शन, एंड रीच्ड अवर किचन रूप, और हमारे किचन के ऊपर पहुंच गई, रीच यानी पहुंचना, जंप की और जंप करने वाली वो हमारे किचन के रूप के ऊपर पहुंच गई। शी सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सर्वे करना, पूरा मुआयना करना, शी सर्वेड, सिंपल पास्ट टेंस, शी सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, शी सर्वेड, उसने मुआयना की, शी सर्वेड द एरिया, क्यों, क्योंकि वो देख रही थी कि लंगू, मेल लंगू ने जिसको मारा था कहीं वहाँ बैठा हुआ ना हो, इस वजह से उसने फिर ये सर्वे की, शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल, विशियस मेल, इससे पहले आया था विशियस, VICIOUS, विशियस मेल, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, विशियस मेल जो बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला था, जो बहुत ज़्यादा बेरहम था, जो उसके बच्चे को मार रहा था, विशियस जो बहुत ज़्यादा खबीज था, है ना। इससे पहले भी वर्ड डोमिनियंट आया था उसके लिए, मेरोडिंग आया था, मेरोडिंग, इस तरह से ये एडजेक्टिव उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो बहुत विशियस मेल था, तो उसको देख रही थी ताकि वो यहीं पर मौजूद ना हो। एंड देन लीव्ड अवे, लीव्ड अवे ये फ्रेज है, लीव्ड अवे, और छलांग लगा लगा कर भाग जाना, लीव्ड अवे, वो भाग गई, किधर भागे, इन द डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी सिमत की तरफ वो भाग गई, टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, वायलेंट इनकाउंटर, वायलेंट इनकाउंटर, वायलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत भरी, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट, शिद्दत बहुत ज़्यादा, जिसमें लड़ाई झगड़ा जैसे सामने थी, वायलेंट, वायलेंटली, बहुत शिद्दत भरी मुठभेड़ जो थी, जो हुई थी उसे बच्चे के साथ में, वो जगह को छोड़कर दूसरी सिमत में भाग गए, जहाँ पर हादसा हुआ था उस तरफ भागे। अब यहाँ पर तीन एडजेक्टिव हैं, 1, 2, 3, स्ट्राइक कन, विशियस, वायलेंट, ये तीनों भी नाउन, चाइल्ड, मेल, इनकाउंटर। अब ये इनकाउंटर जो है वो मुठभेड़ नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो वो उस सिमत को छोड़कर दूसरी सिमत में, द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, ब्रीफ मीटिंग, मुख्तसर ब्रीफ, द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, यानी बेबी लंगूर के साथ और उसकी माँ के साथ में छोटी सी जो मुलाकात हुई थी, ब्रीफ मुख्तसर मुलाकात थी। कन्विंस्ड का मतलब होता है यकीन दिलाना, यकीन करना, या यकीन दिलाना, कन्विंस्ड बी, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मी, मुझे यकीन दिला दिया। डेट, क्या यकीन दिला, डेट, इंटरस्पीशियस, इंटरस्पीशियस का मतलब होता है क्या, दो इंसानों के दरमियान या फिर इंसान और जानवर दरमियान में, इस इंटरस्पीशियस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बातचीत, जो तरसील जिसे हम कहते हैं, फिर बातचीत का जरिया, कम्युनिकेशन, बातचीत, इंटरस्पीशियस कम्युनिकेशंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट यानी एक दूसरे के ऊपर यकीन हो जाना, बहामी एक दूसरे का जो ताल्लुक है वो जाहिर हो जाना, इज इंडीड अ रियलिटी। तो उसके ये हादसे से उसको राइटर को जाहिर हो गया कि इंडीड अरे बेशक वाकई एक हकीकत है, यानी इंसान और जानवर के मापेन जो इमोशंस है या फीलिंग्स है उसको जाहिर करना बगैर बातचीत के, वो भी एक वाकई हकीकत है, क्योंकि ये हादसे ने उसको जाहिर कर दिया था। और क्या, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कोड, स्ट्राइक अ राइट कोड का मतलब होता है यानी एक दिल के तार जिसको हम जोड़ जाना कहते हैं, स्ट्राइक अ राइट कोड, स्ट्राइक अ राइट कोड, जिसको हम कह सकते हैं दिल के तार जुड़ जाना, यानी कभी कभी क्या होता है इंसान के एक दूसरे के दिल मिल जाए तो फिर इंसान एक दूसरे के ऊपर कुर्बान हो जाता है। कई जानवर के वाकयात भी हमने पढ़े हैं, देखे हैं, या जानवर इंसान के ऊपर भी अपनी जान को कुर्बान कर देता है, या फिर इंसान जानवर को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। वे कब होता है, जब स्ट्राइक द राइट कोड हो जाए, यानी एक दूसरे के दिल के तार जुड़ जाए, उस वक्त ये होता है। तो स्ट्राइक द राइट कोड, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, हम्स इनटू एक्शन, ये भी एक फ्रेज है, हम इनटू एक्शन, यानी रिश्ता जुड़ जाना, रिश्ता पैदा हो जाना, एक दूसरे माँ बहन ताल्लुक पैदा हो जाना, रिश्ता पैदा हो जाना। तो ये जो वाक्य है इनके दरमियान एक रिश्ता पैदा कर दिया, दिलों के तारों को जोड़ दिया।
द मदर लंगूर शोड मी, शो दिखाना, शोड मी द मदर सिंपल पास्ट टेंस, द मदर लंगूर शोड मी डैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये खाना जो हम जानवरों को जो देते हैं, परिंदों को देते हैं, जानवरों को जो हम देते हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली को हम रोज दूध पिलाएं तो वो हमारी एक रिश्ता पैदा कर देते हैं, जिसको बोले राम कर लेना जिसे हम कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। तो ये जो सिर्फ खाना ही नहीं है, यानी दूसरी भी चीज़ें हैं, तो इसने उसको जाहिर कर दिया आज। फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड द एनिमल्स बट डैट देयर वॉज अदर मीन्स, लेकिन एक दूसरी चीज भी है ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट को जो बॉन्ड करे, बांध के रखे, एक खाने के अलावा और दूसरी चीज़ भी है जिसे हम सिला रहमी कहे या फिर जिसको हम अच्छा सलूक कहें, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कंपेशंस है, कंपेशंस रहम एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को समझना भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही नहीं बनाया है, यानी अगर अल्लाह ताला को इंसान को इबादत करने के लिए बनाता तो अल्लाह ने कई फरिश्ते बनाया है। तो अल्लामा इकबाल ने इस पर एक शेर कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थी कुरूबियाँ, यानी अल्लाह ताला ने इबादत के लिए तो कई फरिश्ते पैदा किए हैं, हमको जो पैदा किया है वो एक दूसरे का दर्द दुख और फीलिंग को समझने के लिए, उसी का नाम इंसानियत है। अगर हम ये ना समझे तो फिर इंसानियत क्या हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, मर जाती है। तो हमने इसको कायम रखना चाहिए। किसी एक शायर का और एक शेर है कि घर से मस्जिद बहुत दूर चलो यूं कर लिया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया जाए, तो ये भी एक हमारी इबादत है। 55 years हैव पास्ड, राइटर कहता है 55 बरस हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आया था पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड का इस्तेमाल किया गया था जिसमें हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, चुका था, चुकी थी। यहाँ पर आया हैव, हैव और हैज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो फिर हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्लूरल हो तो फिर हैव का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ में। तो राइटर कहते हैं 55 years हैव पास्ड, 55 बरस बीत चुके हैं सिंस, तब से अब तक के से, सिंस से डेड डे, उस दिन से आज तक 55 बरस बीत चुके हैं। आई एम नाउ 70 years ओल्ड, आई एम नाउ, अब ये प्रेजेंट में टेंस है कम्प्लीमेंट वाला। पहले वाला सेंटेंस हमने देखे थे कम्प्लीमेंट का, माई फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल, उसी नौयत का ये सेंटेंस है, आई एम, आई वाज, आई एम नाउ, अब मैं कितने बरस का हो चुका हूँ, 70 years ओल्ड, अब मैं पूरे 70 बरस का हो चुका हूँ, उस वाक्य को 55 बरस बीत चुके हैं। बट आई स्टिल फाउंडली रिमेंबर डैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, लेकिन अभी भी मुझे वह हादसा ऐसा लगता है जैसे वो अभी ही हुआ हो। आई स्टिल फाउंडली रिमेंबर डैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। आई होप डैट यू हैव अंडरस्टूड द लेसन।